संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी परीक्षा में किशनगंज जिले का नाम रोशन करने वाले अनिल बसाक को बधाई देने का सिलसिला जारी है। आज जिला पुलिस मुख्यालय में उनका जोरदार स्वागत किया गया है। एसपी कुमार आशीष ने उनकी कामयाबी पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं सम्मान समारोह में अनिल बसाक के अभिभावकों को भी एसपी डीएसपी अनवर जावेद अंसारी डीएसपी हेडक्वार्टर और आला अधिकारियों ने बुके देकर सम्मानित किया है। अनिल बुसाक संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 45वां रैंक लाकर आईएएस के लिए चुने गए हैं। माटी के लाल की इस कामयाबी से इलाके में उत्साह का माहौल है। उन्होंने अपनी पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से की है। सम्मान समारोह के दौरान एसपी कुमार आशीष ने कहा कि सीमांचल के स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और सफलता मिलती जा रही है, जो बेहद सुखद और गौरवान्वित करने वाला क्षण है। इस मौके पर अनिल बुसाक ने क्या कहा, सुनिए उनकी दिल की बात। जी, सम्मान से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है और ये गर्व की बात है कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर हैं उनसे सम्मानित होना। जो जहाँ तक बात रही किशनगंज के छात्रगणों के संदेश को लेकर, तो जो मैं कहता भी हूँ कि मैं यही कहूँगा कि जो भी छात्रगण हैं या जो भी बच्चे तैयारी में या किसी भी फील्ड में, मुझे यही कहना है कि आप उस फील्ड में जाइए जिसमें आपको लगता है आप अच्छा करेंगे और जिसमें आप खुश रहेंगे। हो सकता है आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, मे बी बी कॉम कर सकते हैं या एम कॉम या फिर एम बी ए, नहीं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर कोई और क्षेत्र जैसे पॉलिटिक्स हो सकता है, अभिनय हो सकता है, खेल हो सकता है, जिसमें भी आपको लगता है कि आप उसमें रुचि रखते हैं और आप उसमें अच्छा कर सकते हैं, उसमें जाना चाहिए। हाँ, जहाँ तक सिविल सर्विसेज का बात है उस पर मैंने काफ़ी सारा गाइडेंस दे रखा है। जैसे मैं ऑनलाइन यूट्यूब चैनल भी चलाता हूँ, एक गूगल डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जिसके अंदर जो कहाँ से क्या पढ़ना है और मोटिवेशन के लिए क्या करना है, जैसे वीडियोज़ बहुत सारे होंगे वो सब मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीज़ें वो एक जगह कंबाइन करके दिया। मैं बता भी देता हूँ दोबारा से लिंक, https://bitbit.bit.ly/cskfunde यानी सिविल सर्विसेज एग्जाम के फंडे। तो इस पर आप जाएंगे तो इस पर आपको जो है पूरा कंबाइंड मिलेगा। इसमें बहुत कुछ मिलेगा, गाने वाने सब लगा रखे हैं मैंने, गाने मीम्स भी मिलेंगे आपको, और इसमें हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, संस्कृत भी लिखा है, उर्दू भी है, तो सारे जो मिक्स है वो मैंने करके दिया। तो जनरल पब्लिक भी पढ़ सकती है इसको और यूट्यूब चैनल पर मैं जनरली जितना सिंप्लीफाइड मैनर में हो सकता है उतने सिंप्लीफाइड मैनर में चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूँ। जो थ्री इडियट्स में जो थोड़ा दिखाया भी है कि आप जो है पहले निर्धारित नहीं कर सकते कि ये बच्चा या लड़की किस क्षेत्र में जाएगा या जाएगी, वो उनको धीरे धीरे अपना जो रुचि है, इंटरेस्ट है और जो अपना टैलेंट है वो धीरे धीरे पता चलता है। तो जब टैलेंट पता चल जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना करियर ऑप्शन चुनना चाहिए और उससे आप अपने लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने क्षेत्र या जिले या राज्य के लिए या देश के लिए नाम रोशन कर सकते हैं। फर्स्ट तो जो मैं बोलता हूँ वो तीनों चीज़, ये फर्स्ट तो ये कि 139 करोड़ का अगर जो कंट्री है उसको सर्व करने के लिए 139 करोड़ लोग चाहिए, तो हर कोई देश सेवा कर रहा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो रिक्शा पुलर हो, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एसपी सर हो, डीएम सर हो या मैं हूँ, चाहे जर्नलिस्ट हो, जो भी हो, सब लोग देश सेवा कर रहे हैं, जो लोग भी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं ये बोलूँगा जो है कि कोई भी गार्डन जो है या कोई बाग है वो तभी तक खूबसूरत है जब उसमें डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स है या अलग अलग प्रकार के फूल है। उसी तरह से हमारा देश भी या हमारा डिस्ट्रिक्ट या कोई भी राज्य तभी तक खूबसूरत रहेगा जब उसमें अलग अलग प्रकार के लोग होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग अलग अलग जगह जाए और अलग अलग जगह से समाज के लिए या देश के लिए योगदान दें। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि सीमांचल ही सहित पूरे बिहार के बच्चों के लिए यही हमारा संदेश है। और जैसा भी अनिल ने बताया कि आपको जिस फील्ड में जाना है पहले अपनी लगन को पहचानना है और उसी चीज़ को अपनी पैशन बना करके पूरी शिद्दत के साथ उसमें आगे बढ़ना है। आप लोगों ने सभी ने वो फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, जिसमें कि लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं करना चाहिए, सिर्फ इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। तो आप जो अपने अंदर अच्छा कर सकते हैं उसको पहचानिए, जिसमें लगन हो, और फिर उसको कैरियर बनाइए, एकदम चीज़ें आसान हो जाएंगी। सिविल सर्विसेज के आप दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम, कुछ भी काम कर सकते हैं, और इसी को सफल किया है, सार्थक किया है अनिल ने। आप देख रहे हैं कितने हम्बल बैकग्राउंड से आज यहाँ पहुँचे हैं बहुत ही मेहनत के साथ, और इनसे सीख लेने की ज़रूरत है सभी युवाओं को कि वो अपने अपने फील्ड में पहचानें कि आपकी शक्ति किस में है, किस में आप अच्छा बेहतर कर सकते हैं।
तो उसी को पहचान करके आपको आगे बढ़ना है, बाकी रास्ते खुलते जाते हैं। और हम लोग सभी यहाँ पर हैं साथ में गाइड करने के लिए। अनिल ने भी अपने चैनल के बारे में बताया है, सब लोग उससे जुड़े और जहाँ तक जो संभव हो। और मुझे खुशी है जो पहला सवाल आपने किया था कि कई हमारे गाइडेड छात्र जो हैं यूपीएससी बीपीएससी निकाल रहे हैं, तो ये यकीनन फ़ख्र का मतलब मौका है कि हमारे स्टूडेंट्स आज भी आते हैं, लोग यहाँ पर मिलते हैं, धन्यवाद करते हैं। लोगों को राह दिखाना हमारा काम है। हम लोग की कोशिश यही रहती है कि हम लोग एक जरिया मात्र हैं देश सेवा में, जितने लोग जहाँ से जुड़ सकें, जिस कैपेसिटी से जुड़ सकें। तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि टैलेंट को नर्चर करें, उनको सहयोग करें, उनको दिशा दिखाएं, ताकि देश के निर्माण में, राज्य के निर्माण में, अपने समाज के निर्माण में सभी को सहायता मिल सके।